आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा। चुनावों का समय है, तीन चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का मतदान कल यानी 23 फरवरी को होना है। चुनावों को देखते हुए आज हमारे साथ इस प्राइम चर्चा में हरदोई की 161 संडीला विधानसभा सीट से BSP उम्मीदवार अब्दुल मन्नान जुड़ेंगे। इस सीट से पहले भाजपा के जो मौजूदा विधायक है राजकुमार अग्रवाल, उनको टिकट दिया गया था, जिसके बाद उनका टिकट काट दिया गया और अब टिकट अलका अर्गवंशी को दिया गया है। इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, तो इस सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प हो चुका है और हमारे साथ BSP उम्मीदवार अब्दुल मन्नान जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि कौन कौन से उनके विधानसभा में मुद्दे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल जी आपका हमारी इस प्राइम चर्चा में। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये कि BJP ने अपना उम्मीदवार बदला है, जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट काट के दूसरे को कैंडिडेट बनाया है। क्या लगता है BJP किन चीजों को लेकर चल रही है? क्या इस बार बदलाव होगा इसी वजह से मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया है? मौजूदा विधायक का टिकट काटना या उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाजपा का बहुत बड़ा विरोध और वर्तमान विधायक का भी विरोध है जी। जो नया गया है इनका भी कोई मतलब नहीं है, ये बाहरी है, यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, ये कहीं बाहर के हैं। यहाँ के आवाम को, यहाँ की जनता को जो है इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इन्होंने ये आज भी जनता इनको नहीं जानती है कहाँ के रहने वाली है जी। और कहाँ से टिकट दिया, कैसे टिकट दिया, पता। मेरा चुनाव तो आम जनता ने अपने कंधों पर लेकर आपके BJP को सबक सिखाने का काम कर रही है जी। और उम्मीद है कि आपके 23 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक एक वोट एक नंबर का बटन, हाथी वाला बटन दबाने का काम करेगी जी। मेरा अपना मानना है। अब्दुल जी, राजकुमार अग्रवाल का टिकट काटा गया है, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड देखने की वजह से? उन्होंने 5 सालों में कोई काम नहीं किया, क्या यही वजह है उनका टिकट काटा गया है? अब वो उनकी रिपोर्ट कार्ड के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन ये जनता के बीच उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है जी। और यहाँ आपके उनका कोई काम नहीं है जी, उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। जो मेरे पहले जो 2012 तक काम थे, उन वो जो मैंने कराए थे जी, वो भी अधूरे छूटे पड़े हुए हैं जी। और BJP का तो वैसे ही बहुत विरोध हो रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार हो, आपके सारे लोग आपके विरोध कर रहे हैं जी। गांव में जो है वो जानवर जो है फसल खाए जा रहे हैं जी। आपके कोरोना का काल में तब हजारों आदमियों की, लाखों आदमियों की मौतें हुई है जी। ये बहुत बड़ा विरोध है, इसलिए यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने जो है मेरा चुनाव अपने कंधे पे लेकर जो है वो लड़ने का काम किया है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है आपके कि कल सुबह 7 बजे से लेकर एक एक वोट आपके डालने का काम करेंगे और हाथी वाला बटन दबाने का काम करेंगे जो एक नंबर पे। अब्दुल जी, 161 संडीला विधानसभा सीट अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में माना जा रहा है कि BJP और सपा के बीच टक्कर है, BSP भी वोट बैंक उसके भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपकी जो संडीला विधानसभा सीट है यहाँ पे क्या त्रिकोणीय युद्ध देखने को मिल रहा है, चुनावी युद्ध? नहीं, यहाँ कोई कौड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक तरफा चुनाव है जी, एक तरफा चुनाव है और सारे लोग जो है मुझे ही आपके सपोर्ट कर रहे हैं और हर वर्ग के लोग जो है आपके मुझे ही सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे ही जो है आपके वोट देने का काम करेंगे जी। आपके जहाँ तक जनपद हरदोई की बात है जी। जनपद हरदोई में भी बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो है वो बहुत अच्छे ढंग से लड़ रही है जी। अब्दुल जी, जो इतना प्रेम समर्थन मिल रहा है जनता का, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? उसका वजह है 17 से लेकर 22 तक जो है BJP का किसी भी सिवाय झूठ, पाखंड, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। जातिवाद, धर्मवाद, पाखंड, इसके अलावा कोई काम ही नहीं BJP का। BJP ने कोई काम नहीं कराया सिवाय आपके झूठ बोलने के, असत्य बोलते हैं,
गंदा बोलते हैं, ये इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने, यहाँ क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। जी अब्दुल जी, अगर बीजेपी से टक्कर नहीं है तो क्या सपा से टक्कर है इस बार चुनाव में? वास्तविक स्थिति है, वास्तविक यहाँ स्थिति है कि सपा भी वो आपके बहुत ग्राउंड में नहीं है और ना ही बीजेपी ग्राउंड में। जी यहाँ बीजेपी वो कोई ग्राउंड में नहीं है, आपके सपा तो बिल्कुल नहीं है ग्राउंड में और बीजेपी बिल्कुल ग्राउंड में नहीं है। एक तरफा वोट है, बीजेपी का विरोध बहुत है, एमएलए का विरोध है, जो एमएलए सत्ता में थे उनका विरोध है, बीजेपी की पार्टी का विरोध है, यहाँ सर समाज के लोग आपके जुड़ चुके हैं, हर बिरादरी, हर जात, हर मजहब, हर वर्ग के लोग जो है वो आपके पूरा समूह को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। और जनपद हरदोई में बहुजन समाज पार्टी की हर सीट बहुत मजबूती से लड़ रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको 10 तारीख को देखिएगा। जी अगर बात करी जाए हरदोई के संडीला विधानसभा सीट है, तो यहाँ पे अहम मुद्दे कौन से रहे हैं शुरू से? यहाँ अहम मुद्दे जितने मैंने 2012 तक जितने मैंने काम कराए थे, जी वो जो काम कराए थे उनकी रिपेयरिंग, सड़कों की रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई है। मैंने 100 सेवाओं में बहुत बड़ा काम किया था, उसमें भी मिलता है इनकी तमाम, मैंने पीएससी खुलवाई थी, तमाम हमने बिजली का काम कराया था, तमाम पावर स्टेशन बनवाए थे, तमाम खंबे और लाइनें मैंने डलवाई थी, तमाम विद्युतीकरण करवाया था, या आईटी खुलवाई थी मैंने, वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई, 2 सरकारें चली गई। जी ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं आपके जो आप जनता के बीच है, उनको महसूस कर रही है कि आपके पिछले 10 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ, और 7 से 12 जो है उत्पीड़न बहुत हुआ जी, लोगों का शोषण हुआ। अब्दुल जी, बीजेपी और सपा दोनों ही अपने स्टार प्रचारकों को हर जिले में उतार रही हैं और प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया है, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? कई दावे वादे भी किए गए हैं, मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है बीएसपी की तरफ से, तो मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया गया है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो काम, आपके काम पे विश्वास करती है। जी आप ये देखिए, आपके किसी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है जारी होता है, उस पे मैनिफेस्टो में 5 साल कहाँ काम होता है? जी कोई काम ही नहीं होता है। आप देखिए बीजेपी का 15 लाख रुपए किसी को मिले, 2 करोड़ नौकरियां किसी को मिली, आपके तमाम मुद्दे ऐसे आपके वो है। बहुजन समाज पार्टी ने जो मैं पिछला कार्यकाल नहीं देखना चाहता, मैं 7 से 12 देख, आप देख ले, 7 से 12 में जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हमने अम्बेडकर गांव ग्राम के माध्यम से गांव का विकास किया, मैंने कांशीराम शहरी विकास योजना के माध्यम से हमने शहरों का विकास किया, हमने जो है वो आपके और पूरे उत्तर प्रदेश को हमने लैंड ऑर्डर देने का काम किया, सर समाज का हमने सम्मान किया, सर जो हमारा नारा है बहन जी का जो नारा है आपके, वो हमने उसको 100% जो है वो आपके उस पर अमल किया, और हम काम करने पर विश्वास करते हैं, हम फर्जी बातें नहीं करते, हम आपके असत्य का जो है वो नहीं करते कि हम झूठ बोलकर जो है वोट ले लें और काम ना करें, इसलिए हम मैनिफेस्टो आपके हमारा नहीं होता है, बहुजन समाज पार्टी का नहीं होता, काम करने पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और जनता की जो मूल आपकी समस्याएं हैं उन पर हमारी हम लोगों की नजर रहती है और उस पर हम लोग काम करते हैं। जी अब्दुल जी, अभी कुछ देर पहले ही सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा राम राज्य की स्थापना के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार काम कर रही है। जो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा जनता पे, या फिर जिस तरह से सपा विकास के, रोजगार के और किसानों की हितैषी बनते हुए जो वादे दावे कर रही है उसका असर पड़ेगा? अगर इन दोनों का असर पड़ेगा तो बीएसपी की कौन सी बात का असर पड़ेगा जनता पे? देखिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जहां तक आपके ये उसकी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है मंदिर का निर्माण हो चुका है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, और तमाम आपके अनर्गल बातें करते रहते हैं जिससे जो है वो आपके लोगों, लेकिन अब लोगों ने उनको इन बातों को ठुकरा दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है इन बातों का है। आपके वो बहुजन समाज पार्टी आगामी देखिएगा, आप 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री होगी, जिससे इस बड़े प्रदेश का 25 करोड़ लोगों का जो है वो आपके उनका
उत्थान होगा, उनकी प्रगति होगी, आपके उनकी तरक्की होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जी। और इस आपके हमारे इस उत्तर प्रदेश को एक दिशा मिलेगी आपकी उन्नति की, मेरा तो यही मानना है। और आप देखिएगा 10 मार्च को जो है सरकार बनाने की स्थिति में अब्दुल जी, जिस तरह से दूरी बना के रखी है मायावती ने और बाकी पार्टियां ताबड़तोड़ जनसभाएं रैलियां कर रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं जुड़ती हैं, बहुत कम ही जनसभाएं करती हैं मायावती, और जो बसपा के कैंडिडेट्स हैं वो भी काफी दूरी बना के रखते हैं मीडिया से, तो जनता के बीच पहुंच बहुत कम हो गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो बीएसपी के वोटर्स हैं उनका बिखराव हो गया है, अलग अलग पार्टियों की तरफ चले गए हैं, तो क्या आसान होगा इस बार का चुनाव जीत पाना बीएसपी के लिए? ऐसा कुछ नहीं, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट, मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट जी आपके बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाला चुनाव बटन दबाएगा। ये जो आपके विपक्ष, जो आपके और पार्टियां हैं जो ये बात कर रही है, ये बिल्कुल वो है। और बहुजन बहन जी जो है वो आपके मीडिया के माध्यम से, अपने वर्करों के माध्यम से, और हम लोग जो है वो केडर, बहुजन समाज पार्टी केडर पार्टी है, हाँ हमारे केडर चलते रहते हैं, हम लोग जो है आपके सर समाज जोड़ने का बनाने का रहते हैं, 5 साल हम लोग काम करते हैं जी। तो आपके की वो मीटिंग नहीं हुई या नहीं, मीटिंग हमारा 5 साल काम करता है जी, हमको इलेक्शन में बहुत वो नहीं पड़ती आवश्यकता कि बहन जी आके मीटिंग करें। वो बहन जी ने मीटिंग की लखनऊ मंडल में, आपके मीटिंग की, बड़ी मीटिंग की, बहुत बड़ी मीटिंग की जी। और ये संदेश हमारे वर्करों को उन्होंने भेज दिया, सारे वर्कर वहां गए, उन्होंने बहन जी की बात सुनी, उनके आपके दिशा निर्देश दिया और आपके वो काम करना शुरू कर, काम तो चल ही रहा था और तेजी से काम शुरू हुआ जी। बीएसपी के मुख्य मुद्दे क्या है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई है, हालांकि प्रचार अब थम चुका है, लेकिन जो मुद्दे रहे हैं वो कौन से रहे, कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए हैं? बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें रही है जी मैडम, आपने देखा होगा कि 7 से 12 हो या 2002 की सरकार रही हो या इससे पहले की सरकारें रही हो जी, हमने पूरे उत्तर प्रदेश को, चाहे वो किसानों को गन्ने का, किसानों को गन्ने का मूल्य सबसे ज्यादा किसने बढ़ाया, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में बढ़ा है। किसानों की किसने राहत दी, वो आपके बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई। जो बच्ची यहाँ, जो बच्ची जो है वो पैदा होती थी वो लखपति पैदा होती थी, 1 लाख का उसका इंश्योरेंस था जी। तो आपके हमने तमाम और पूरे उत्तर प्रदेश को हमने लॉ एंड ऑर्डर देने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने सर समाज को जो है सम्मान देने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे जो है बहुजन समाज पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो है बहुत आपके, आप देखेंगे बहुत ज्यादा जीत के सब आएंगे और सरकार बनाएंगे हम लोग जी। अब्दुल जी, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करी जाए तो शहरी क्षेत्रों में विकास आज भी दिखता है बीएसपी सरकार का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी जाए तो उसके लिए क्या कुछ काम किया गया है, और अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ काम किया जा सकता है? देखिए, अम्बेडकर ग्राम योजना के माध्यम से हमने आपके ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास किया है जी। वो चाहे गाँव के गलियारे हो, चाहे सड़के हो, चाहे नाला हो, चाहे ड्रेन सफाई हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो और चाहे आवास हो, हमने अम्बेडकर ग्राम योजना के माध्यम से हमने गांव का समुचित विकास करने का काम किया है जी। और जहां तक शहरी क्षेत्र है, आप लखनऊ ही देख लीजिए, आप जहां बैठे हुए लखनऊ में देख लें आप जी। ये सब चाहे वो आप पूरा देख लें लखनऊ, लखनऊ में तो 75% काम जो है वो और सरकार 25% और सरकारों का होगा, 75-80% काम जो है वो तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार का है जी। आप देखिए, चाहे 2002 की सरकार रही हो, चाहे 7 से 12 की सरकार रही हो, ये तो बहुजन आपको दिखता है, आपको बाहर का जो आदमी आता है वो भी देखता है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुत काम हुआ जी। आपके साथ हम शहरी क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा विकास किया, लखनऊ गवाह है, नोएडा गवाह है जी, तमाम शहर गवाह है इस बात के।
अब्दुल जी जब जनसभा को संबोधित कर रही थी मायावती, तो उन्होंने कहा था कि सपा सरकार से जनता को उम्मीद थी इसलिए सपा की सरकार लाई गई, लेकिन सपा सरकार में काम नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी पर विश्वास जताया, बीजेपी में भी कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। तो जो ये इस तरीके का बयान सामने आया है, तो तीनों सरकार को यूपी देख चुका है, तो क्या एक बार फिर भरोसा जताया जाएगा मायावती पे? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा है, दोनों सरकारों को आपके उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है जी। और दोनों सरकारों में जो है कोई काम नहीं हुआ है, जनता के हित के काम नहीं हुए, जनता को जो है आपके लैंड ऑर्डर में बहुत नुकसान हुआ, रिश्वत बढ़ी जी। आपके रिश्वत तमाम बढ़ी, तमाम बेईमानी भ्रष्टाचार बढ़ा। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आपने देखा है जी, हर आदमी को सम्मान मिलता था। लेकिन अब्दुल जी, बीजेपी कहती है कि यूपी की तस्वीर बदली है, बीजेपी ने अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने काम किया है और महिला सुरक्षा का काम किया है, पिछली सरकारों पर निशाना साधती रहती है बीजेपी। ये मैडम उन्हीं के जो आपके जो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसका हिस्सा है। कोई काम नहीं किया है सिवाय भाषणबाजी के अलावा, कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। रोजगार पे क्या कहेंगे? इस वक्त जनता सबसे ज्यादा रोजगार और महंगाई की मार झेल रही है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अरे मैडम, आप देखें, आप बेरोजगारों में जितने लोगों ने बेरोजगारी होती, तो 5 साल में हजारों लाखों लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया है जी। है एक भी आदमी बगैर लाठी खाए वहाँ से चला आया हो तो बताइए आप। तो BSP सर बेरोजगारी को कैसे दूर करेगी? BSP का लक्ष्य है जी, हमारी पार्टी तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता गरीब आदमियों को देती है जी। जो हमारी लोग जो है, गरीब आदमी जो है हमारा वोटर भी है, हमारा सपोर्टर भी है, और गरीब आदमी जो है वो हर समुदाय के लोग हमारे साथ में है। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो लोग उपेक्षित हैं, जो लोग आपके गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको हमारी सरकार हमेशा प्राथमिकता, ये आपके सामने है जी अब्दुल जी। लेकिन इस बार जो फ्री वाली राजनीति देखने को मिल रही है, वो चाहे सपा सरकार बीजेपी में निशाना साध रही हो, कांग्रेस निशाना साध रही हो, जो राशन दिया जा रहा है मुफ्त राशन, हालांकि ये बहुत जरूरी भी था कोरोना काल में, लेकिन सपा की तरफ से फ्री टैबलेट और मोबाइल फोन देना, तो ये सब जो इस बार फ्री वाली राजनीति आ गई है, क्या कहेंगे? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा जनता पे, या जनता जागरूक है, जनता मुद्दों को देख के वोट करेगी? आप जानती हैं इनके मैनिफेस्टो होते हैं जी, पार्टी इनको मैनिफेस्टो होते हैं, लेकिन उस मैनिफेस्टो पे 5 साल कोई काम नहीं होता। और जनता को ये पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी में ही काम आदमी आम आदमी का होता है, वो चाहे मिडिल क्लास का आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे कुछ जो व्यापारी है उनका भी व्यापार बहुत अच्छा चलता है जी। आपके तो बहुजन ये आपके साथ से लेके और अब तक आपके तीनों सरकार रही है, जनता जो है तीनों सरकारों की जो है वो उसने आकलन कर लिया है, सबसे महसूस कर रही है कि सबसे अच्छी सरकार, सबसे अच्छा प्रशासन, सबसे अच्छा आपके सरकार चलाने का सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिला है जी। जनता आपके पूरा वो कर रही है, पूरी समीक्षा हो रही है, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं तो अपनी विधानसभा देख रहा हूँ, हमारा तो चुनाव जो है जनता ने ही अपने कंधों पे ले रखा है जी। और जनता ने ही जो है वो हमको चुनाव लड़ा रही है, दौड़ दौड़ के अपना काम कर रहे हैं, जिसके पास जो साधन है वो अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, दोस्तों में जाके अपना, और सर समाज के लोग हैं जी। अब्दुल जी, अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आपकी विधानसभा में, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो काम रुका हुआ है, जिसको सबसे पहले करना जरूरी है? हमारे विधानसभा में तो एक ये शहर का आपके एक पुल है, क्रॉसिंग है, रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है, उसमें बहुत जाम लगता है जी। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी, सबसे पहले हम यहाँ एक पुल बनवाए, जिससे जो है हमारे तहसील संदीला का जो है वो, और शहर संदीला का जो है वो आपके जाम लगना बंद हो जाए और आपको आवाम को जो है आसानी मिले। दूसरा, ये संदीले की पुरानी मांग है संदीला जिला बनाने की जी, क्योंकि हमारे वहाँ से 56 किलोमीटर जो है वो हरदोई है जी। और हमारे वहाँ लोगों को, और ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए तो 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है
इससे जो है वो हमारा हमारी संदिले की लोगों की जिला बनाने की मांग है, उसको हम प्राथमिकता देंगे। और दूसरा यह है यहाँ न्यायालय मुंसिप कोर्ट की भी जो है वो हम लोग महसूस करते हैं कि यहाँ हमको हरदोई 56 किलोमीटर जाना पड़ता है, इसलिए एक मुंसिप कोर्ट भी यहाँ खुले, ये हमारी जिले के लोगों की मांग है और इसको हम उस पर जो है वो हम काम करने का काम करेंगे, उस पर जो है वो हम प्रयास करेंगे कि आपकी हमारी जो तीनों मांगे हैं आपकी ये पूरी हो और हम सरकार में हम होंगे और हम इन तीनों मांगों को जो है पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी अब्दुल जी, कल चुनाव है और ऐसे में जनता जागरूक भी है, लेकिन क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे कि वो मतदान केंद्र पर जरूर जाए, अपने मत का प्रयोग जरूर करें? हाँ, मैं संदीला विधानसभा क्या पूरे जिले से और पूरे प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका चैनल पूरे प्रदेश में और देश में है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है जनता अपना चुनाव अपना वोट डालने के जाए। और मैं अनुरोध करूंगा कि विधानसभा से संदीला और जनपद हरदोई या पूरे प्रदेश में, और विशेष तौर पर हम संदीले के निवासियों से भी कहना चाहूंगा कि वो आपके हाथी वाला बटन दबाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। इस प्राइम चर्चा में हमारे साथ अब्दुल मन्नान जी जुड़े थे, जो कि 161 संडीला विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और उनको जनता का काफी समर्थन भी मिल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील भी करी गई है। बीती शाम प्रचार प्रसार थम गया है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार देखने को मिला और अब जनता को जागरूक किया जा रहा है कि 23 तारीख को जो चुनाव है उसमें अपने मत का महत्व समझें और उसका प्रयोग जरूर करें। फिलहाल इस प्राइम चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।